Welcome to Biology Portal. Today we will study about the ventricles of the brain. What is ventricles? Ventricles का मतलब होता है कोई भी कैविटी. कैविटी मतलब जिसमें कोई भी चीज फिल हो सके. तो आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. वेंट्रिकल्स का क्या मतलब है? कैविटी. अब ये हमारे ब्रेन के आपके सामने दो व्यू है. देखिए ये हमारा लेटरल व्यू है, साइड से हम देख रहे हैं. ये हमारा एंटीरियर व्यू है, मतलब आगे की तरफ से हम देख रहे हैं. दो व्यू होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर. तो अगर हम लेटरल व्यू और एंटीरियर व्यू में देख रहे हैं तो हमें काफी चीजें समझ आती हैं. लेकिन होता क्या है कि हम इसकी एग्जैक्ट इन जो ये डायग्राम है इसके थ्रू हम वेंट्रिकल्स की क्या पोजिशन है, ये किस तरीके से फिट है, हम नहीं समझ पाते. और इसके लिए मैंने एक रफली मॉडल तैयार किया है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि हम पेपर पे यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ हम एक व्यू देख रहे हैं और इससे हमें ये चीजें क्लियर नहीं होती. लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग में एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये वेंट्रिकल्स आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं और ये कितनी होती हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो लेटरल व्यू है इसमें क्या चीज हमें दिखाई गई है. देखिए ये हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, दोनों ही ब्रेन की स्ट्रक्चर है. तो ये चारों तरफ ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं और इसके बीच में जो आपको ये पोर्शन दिखाया गया है, दीज आर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो ग्रीन और पिंक कलर में दिखाया है. ये तो बाकी ब्रेन के पार्ट्स हो गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो ये जो हमारी ग्रीन कलर है और ये जो पिंक कलर है ये हमारी वेंट्रिकल्स हैं. ये हमारा सेरेबेलम है और ये हमारे पोन्स हो गए, मेडुला ओब्लोगांटा हो गए, डिफरेंट पार्ट हो गए. तो ये इस वाले चीज को हमने जब एंटीरियर व्यू में देखा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मॉडल में देख लेंगे कि किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है. तो देखिये ये जो हमारी सी शेप में हमें दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं ना, ये सी जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये सी शेप है. और हम इस जो ब्रेन को देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? लेटरल व्यू देख रहे हैं. तो इसके पीछे ये जो आपकी सी शेप में ये वेंट्रिकल है, इसी के पीछे सेम वैसी ही एक और वेंट्रिकल है. मतलब कि जो हमारी लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये जो सी शेप में आप ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपस में यहां पर आप जो देख रहे हैं वो ऐसे और ऐसे है, मतलब इसके पीछे है. और इस चीज को आप यहां देख रहे हैं तो आप अगर देख रहे हैं तो एक इस तरफ दिखाई दे रही है और एक इस तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ब्रेन को हम साइड से देख रहे हैं. और हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो फ्रंट से हम देखेंगे तो उसके दो पोर्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट. तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो एक तो होती है प्रेजेंट राइट में और एक होती है लेफ्ट में, दोनों पार्ट्स में एक एक प्रेजेंट है. तो हमारी जो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गई वो कितनी हो गई? टू, नंबर में टू हो गई. और अगर हम इस व्यू को इसमें देखें तो ये एक के पीछे एक दिखाई गई है जो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है. इसके लिए मैंने मॉडल तैयार किया है, वो हम उससे क्लियर करेंगे. बस आप एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि ये कितनी होती हैं. तो लेटरल वेंट्रिकल्स जो सी शेप की है वो कितनी होती है? दो, एक ये है और एक इसके पीछे है. यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ये साफ साफ दो दिखाई दे रही है. और अगर हम ये बात करें कि इनका काम क्या है, तो पहले तो ये देख लेते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं. तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये इनके अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो कैविटी है, वेंट्रिकल्स का मतलब बताया मैंने आपको कैविटी से, तो इस कैविटी में क्या फिल अप होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम आप जानते हैं कि वो आपके ब्रेन को मॉइस्ट रखता है, कुशन की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है. तो बहुत सारे फंक्शन है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमें देखना है कि जो वेंट्रिकल्स हैं इनका काम क्या है. इन वेंट्रिकल्स का ये काम है कि ये पहली बात तो ये हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जिसके हम फंक्शन बहुत बार पढ़ते हैं, तो ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इट इज प्रोड्यूस्ड इन वेंट्रिकल्स. ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से आता है, कभी आपने सोचा है? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? ये होता है आपका वेंट्रिकल्स में. ये आपकी दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं आगे और पीछे, और ये जो आपका थर्ड वेंट्रिकल्स है, देखिए ये वाली जो सी शेप की इन्हें हम लेटरल कहते हैं, जो ये वाली वेंट्रिकल्स है, क्योंकि ये दो हो गई नंबर में, वन और एक पीछे वाली टू, और थ्री कौन सी हुई? ये वाली, जिसे हम बोल रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल. यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को हमें यहाँ पर भी देखते हुए चलना है कि एक हमारी स्ट्रक्चर ये है लेटरल, दूसरी लेटरल ये है, और ये दोनों जो ओपन हो रही हैं वो किस में हो रही है? थर्ड में. ये जो मिडिल पोर्शन है इट इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल. तो यहां पर भी ये दिखाया गया है लेटरल व्यू में कि ये थर्ड वेंट्रिकल में एक कैविटी है जिसमें ये खुल रही हैं, ओपन हो रही हैं. इसके बाद जब ये लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, इससे इसमें आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है आपस में, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से,
जिस चीज से कनेक्टेड है, जिस वे से ये आती है, उस वे को, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरमेन। मतलब एक ऐसी जगह है, जैसे कहते हैं ना, हम ये इस वाले पार्ट से इसमें किसी चीज को आना है तो वो क्या करेगा कि या तो कोई बीच में पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरमेन, जिसके थ्रू लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड किस में आ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स में। यहाँ आप एरो भी देख सकते हैं, मैंने एक एरो लगाया है कि इन दोनों का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड किस में कलेक्ट हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, अभी हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड यहाँ है और इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ है, बिकॉज यही तो लिखा है थर्ड वेंट्रिकल। देखिए दोनों तरफ लगे हुए हैं इसके एरो। इसके बाद ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, अब ये खाली होती है किसमें, फोर्थ वेंट्रिकल में। ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें ये स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखती है, अगर हम लेटरल में देखते हैं तो, लेटरल व्यू में देखते हैं साइड से। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में ये थर्ड वेंट्रिकल का जितना भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो इसमें आ जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में। और ये किसके थ्रू आता है, ये जो जंक्शन है, जैसे यहाँ पर एक पाइप फिट था ये, जिसकी वजह से लेटरल का जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड था वो थर्ड वेंट्रिकल में सारा ओपन हो गया था, और ये जो अब थर्ड वेंट्रिकल का जितना भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो खाली होगा किसमें, फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इस ये जो पोर्शन है जिससे ये कनेक्टेड है, जो ये बीच में पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। इसका नाम क्या है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है तो आप यहाँ पर देखिए, सिंपल है एकदम। ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन हुई बीच में, और बीच वाला पोर्शन फिर यहाँ पर ओपन होगा, दिस इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, जो एक छोटा सा, आप जैसे एक ये पोर्शन हुआ और इसके बाद ओपनिंग करने के लिए एक दूसरा ये पोर्शन हुआ, तो ये जो थर्ड से फोर्थ के बीच में जो ये पोर्शन है, जो जिससे ये कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और जो यहाँ लेटरल से थर्ड में आ रहा था उसको हमने बोला वेंट्रिकुलर फोरामेन। तो दो तो इसमें जंक्शन ज्वाइंट हुए, जिसकी वजह से हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक से दूसरे पार्ट में आ रहा है। पहला जो पार्ट था जिससे लेटरल से थर्ड में आया था, उसे हम बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, और जो थर्ड से फोर्थ में कन्वे कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। अब इसके बाद बात आती है कि ये फिर उसके बाद कहाँ जाता है, तो इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में, नीचे हमारी क्या जाती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में और डिफरेंट पार्ट में अगेन फ्लो करता है, इसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट ज्वाइन कर लेता है सेंट्रल कैनाल को, वो हमें सेंट्रल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो किस तरीके से वो ब्रेन में चारों तरफ घूमता है, कैसे कैसे कौन सी कैविटी में जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो वेंट्रिकल्स का है, तो आज सिर्फ हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। तो हमें क्या समझ में आया अभी तक, अभी हम मॉडल में इसको सारा बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कि ये जो हमारी वेंट्रिकल्स है, सबसे पहले तो फोर होती है, और फोर में जो हमारी टू वेंट्रिकल्स है वो होती है लेटरल, These are two lateral ventricles. उसके बाद इसको वन नंबर दिया गया है सपोज, इसको टू दिया गया है, और इसके बाद जो ये पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि दो तो यही हो गई, फिर थर्ड के बाद जो ये नंबर है इसको हम बोल रहे हैं फोर। तो टोटल कितनी वेंट्रिकल्स हो गई, टोटल हो गई हमारी फोर वेंट्रिकल्स, टू लेटरल्स और थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, तो टोटल नंबर हो गया हमारा फोर। अब बात आती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, क्योंकि अगर हम वेंट्रिकल पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो ब्रेन को मॉइस्ट रख रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कहाँ से बनता है? तो ये देखिए, जो आपकी ये वेंट्रिकल, जो मैंने अभी चार आपको वेंट्रिकल बताई हैं, इसी के अंदर हमारे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। आप बार बार पढ़ेंगे कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कोरोइड प्लेक्सस से बनता है। तो ये कोरोइड प्लेक्सस क्या है, ये कोरोइड प्लेक्सस हम किसको कह रहे हैं, कोरोइड प्लेक्सस एक नाम दिया गया है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स को, जहां पे ब्लड वेसल्स का बहुत सारा नेटवर्क बने आपस में, उसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। तो क्या होता है कि ये जैसे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो ये लाइनिंग है, इसमें जो लाइनिंग लगी हुई है, मतलब यहाँ पर इसमें अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेंगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स के, आपस में खूब सारे उनके नेटवर्क होंगे, और वो नेटवर्क क्या कहलाते हैं, कोरोइड प्लेक्सस, और वही क्या बनाते हैं हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड विद द हेल्प, जैसे डिफ्यूजन करके, ऑस्मोसिस करके, बहुत सारी प्रोसेस से जो ब्लड वेसल्स होती हैं नेटवर्क बनाती हैं, और वो जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है
सपोज ये हमारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस कहती हैं, वही कहते हैं उसी को हम क्या, वो क्या बनाती है, सर्वो स्पाइनल फ्लूड बनाती है। और ये भी देखा गया है कि जैसे ये लेटरल वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है, इनमें इन पोर्शन में तो कोरोइड प्लेक्सस सर्वो स्पाइनल फ्लूड बनाता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एपेंडिमल सेल्स, वो भी क्या करती हैं, हमारे उसमें सर्वो स्पाइनल फ्लूड को बनाती हैं। तो दो चीजों से सर्वो स्पाइनल फ्लूड बन गया, एक तो कोरोइड प्लेक्सस से बन गया और एक कुछ स्पेशल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं एपेंडिमल सेल्स, उनके थ्रू भी हमारा सर्वो स्पाइनल फ्लूड बनता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। जो एपेंडिमल सेल्स होती है वो बहुत कम अमाउंट में सर्वो स्पाइनल फ्लूड बनाती है, जबकि जो मोस्टली सर्वो स्पाइनल फ्लूड है ये किससे मिलकर बना, किससे बनता है, कोरोइड प्लेक्सस से। और कोरोइड प्लेक्सस क्या है, नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब हमें ये सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन हमें अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई कि किस तरीके से ये ब्रेन में फिट होती है वेंट्रिकल्स, कैसे ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि एक पेपर पे हम ये चीज नहीं समझ पाते। तो चलिए हम एक ये मॉडल के थ्रू, जो एक मेरा फनी सा मॉडल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आई होप कि वो आप उसे समझ सके, वो रफ मॉडल है बट आप उसे समझ सकते हैं। चलिए आते देखते हैं। हम बहुत ही आसानी से हम ब्रेन की वेंट्रिकल्स को समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो नंबर फोर होती है, इन द सेंस कि वो फोर वेंट्रिकल्स होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं जो इस तरीके से आपको दिखाई गई है, मैंने अभी आपको बताया कि वो सी शेप में होती हैं। तो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ये दिखाई गई है सी शेप में, दो वेंट्रिकल्स आप देख रहे हैं, ये आपका एक रफली मॉडल है, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि, तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी ये सी शेप की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी तरीके से ये आपके ब्रेन में होती है। यहाँ ऊपर आपका पूरा ब्रेन होता है और ब्रेन में आप जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो एक लेफ्ट और राइट पार्ट होता है, तो लेफ्ट और राइट में दोनों में ये प्रेजेंट होती हैं। ये जो सी शेप में आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, ये हमने अभी पढ़ा है। और इसके बाद हमने पढ़ाया है कि हमें बेसिकली जो एक डायग्राम होता है उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे अटैच होती है, तो उसी के लिए आपके लिए ये रफली डायग्राम, ये मॉडल बनाया गया है। इसमें जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, आप देख रहे हैं दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, और ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये किसमें ओपन हो रही हैं, आप देख रहे हैं बीच में एक ये जो व्हाइट कलर का मैंने पेपर से बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। और ये आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं, इन द सेंस कि इसका भी जो ओपनिंग हो रही है वो भी इसमें हो रही है और जो इसकी ओपनिंग हो रही है वो भी इसी में हो रही है, ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल है। तो दो वेंट्रिकल तो हमारी लेटरल हो गई, वन और टू, ये दोनों लेकिन लेटरल कहलाती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों है तो लेटरल लेकिन नंबर में ये दो गिनी जाती हैं, वन और टू। इसके बाद जब ये दोनों ओपन होती हैं थर्ड वेंट्रिकल में, और ये जो ओपन होती है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ अंदर लगी हुई है, मतलब कि एक छोटी सी आप समझ लीजिए कुछ भी ओपनिंग है, जिसकी वजह से इसमें जो सर्वो स्पाइनल फ्लूड है और इसमें जो सर्वो स्पाइनल फ्लूड है, इधर आप देख सकते हैं इसी स्ट्रक्चर का ही है, तो ये जो इसमें बनने वाला सर्वो स्पाइनल है और इसमें भी बनने वाला जो सर्वो स्पाइनल फ्लूड है, वो दोनों किसमें सेक्रेट हो रहा है, इस थर्ड में, ये बीच में एक कैविटी है जिसे हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स। क्या है बेसिकली, एक कैविटी होती है। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसमें ये जो ओपनिंग हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पाइप इस वाली लेटरल वेंट्रिकल्स का लगा है, एक पाइप ये इस वाली लेटरल वेंट्रिकल्स का लगा है। ये जो ओपनिंग हो रही है, जिस पाइप से इनकी छोटे छोटे पाइप, इन द सेंस जो ओपनिंग है जिसके थ्रू हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। आप देखेंगे डायग्राम में भी, जहां मैंने आपको बताया था इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन, वो ये चीजें हैं जो यहाँ पर इसमें ओपन हो रही है। तो इस ये दोनों ओपन हुई किसके थ्रू, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, किसमें ओपन हो गई, थर्ड वेंट्रिकल में। साइड से देखेंगे जो हमारे ब्रेन के डायग्राम है उसमें साइड से ही दिखाया गया है, इसलिए हमें दूसरे वाली जो लेटरल वेंट्रिकल है वो दिखती नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये भी प्रेजेंट होती है, ये मैंने आपको बोला था कि उसमें दिखाई नहीं देता है। फिर जो थर्ड वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आते हुए, फिर ये लास्ट में फोर्थ वेंट्रिकल है हमारी, ये जो वेंट्रिकल है लास्ट में, इसे हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, जो आगे कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल आपस में जो ओपनिंग होती है, मतलब इन दोनों का सर्वो स्पाइनल फ्लूड इसमें आ गया और अब ये भी खाली होगा, तो इसका जो स्पाइनल फ्लूड, सर्वो स्पाइनल फ्लूड है, वो फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होता है। और ये जो चीज है जो बीच में आप देख रहे हैं जिसके थ्रू ये ओपन हो रही है, इसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट।
इसी का नाम है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि दो तो सॉरी एक तो ये आपकी जो जिधर से ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन, और जो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ में ओपन हो रही है इसका मेटीरियल जब इसमें आता है, ये जिस आप इसे पाइप समझ सकते हैं जिस चीज के थ्रू जिस ओपनिंग के थ्रू जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये इसमें ओपन होती है इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। अब बात आती है सर्वो स्पाइनल फ्लूड कहाँ से आता है। देखिए जो ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये जो हमारी बाकी वेंट्रिकल्स हैं इनमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इनकी जो ये जो आप देख रहे हैं सी शेप की जो स्ट्रक्चर है या फिर ये भी स्ट्रक्चर है, इसमें सभी में अंदर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। कोरोइड प्लेक्सस वो स्ट्रक्चर है वो सेल्स हैं जिसे इपेंडिमल सेल्स भी कहते हैं। उसके अंदर जो अगेन अगर हम डीपली में देखेंगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो कोरोइड प्लेक्सस बेसिकली इसके अंदर सर्वो स्पाइनल फ्लूड का सेक्रेशन करती है।